हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो फाइनली आज आयोग ने जेईई की भर्ती परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। और जैसे कि आपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आयोग ने आज 10 मार्च को नोटिस भी जारी कर दिया है जेईई भर्ती परीक्षा के रद्द होने के रिगार्डिंग। तो चार बिंदुओं के माध्यम से आयोग ने इसकी पूरी स्टोरी को आपके साथ शेयर किया है और इस नोटिस को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। आप भी स्टडी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। इसमें आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो SIT ने जो जाँच की थी, उसकी जो रिपोर्ट आयोग को मिली है, उससे परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता बाधित हुई है। तो इस संदर्भ में आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साक्षात्कार को रद्द कर दिया गया है, इसके इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया है, मतलब भर्ती पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। साथ ही आयोग ने इस नोटिस में बताया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है अब नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी, मतलब इसका नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में आयोग ने यह भी स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो नया विज्ञापन है वो अप्रैल माह के सेकंड वीक में जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करें इसके एग्जाम की, तो एग्जाम की जानकारी भी आयोग ने इस विज्ञापन के माध्यम, इस नोटिस के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। आयोग ने इस नोटिस में बताया है कि जो इसकी परीक्षा तिथि है वो अगस्त माह में संभवतः इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने समूह गया की भर्तियों में इंटरव्यू को निरस्त करने की बात कही थी, इंटरव्यू खत्म करने की बात कही थी, उसकी घोषणा की थी और उसको लागू भी कर दिया गया है। तो आयोग ने इसमें जब री एग्जाम कराएगा, जब इसका री एग्जाम होगा, तो उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपका प्री और मेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेईई में हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होता है, उसके बाद टेक्निकल एग्जाम होता है, तो इन्हीं की मेरिट के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है री एग्जाम को लेकर, जो इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि समूह गया की भर्ती में, जेईई की भर्ती भी समूह गया की भर्ती के अंतर्गत ही आती है, तो कैंडिडेट को बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आयोग ने जो ये डिसीजन लिया है वो फैक्ट के आधार पर लिया। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ सारी बातें शेयर की थी कि जेईई भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने की क्या क्या संभावनाएं हैं और जेईई भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो सकती है नहीं हो सकती है। तो जो डेटा हमने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो फैक्ट के आधार पर था, मतलब जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया था उसमें जो कंडीशन बन रही थी, कुछ ऐसी कंडीशन के आधार पर जो लगा आयोग को कि हाँ इस भर्ती को रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें करप्शन की जड़ें थी वो न बल्कि पेपर लीक होने तक सीमित थी, बल्कि इसकी जो जड़ें थी वो इंटरव्यू तक की प्रोसेस तक सीमित थी। अब इस बात की क्या गारंटी थी कि कैंडिडेट सेग्रीगेट होने के बाद भी ईमानदारी से अपना इंटरव्यू देंगे, मतलब इंटरव्यू क्या फेयर तरीके से कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन करप्शन को लेकर सामने आ रही थी कि क्या इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी तो नहीं मिलेगी कि बाद में आयोग को फिर से फिर से इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस को रिपीट करना पड़े। तो ये फैसला, आई थिंक, मुझे लगता है कि जो भी ये फैसला है, ये निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक जहाँ करप्शन की रूट फैली हुई थी उन सबको देखते हुए इस डिसीजन को लिया गया है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट भी हो सकता है और कुछ कैंडिडेट्स से निराश भी हो सकते हैं जो कैंडिडेट सेग्रीगेट की मांग कर रहे थे, सेग्रीग्रेशन की बात कर रहे थे। तो क्या ये 100% श्योरिटी थी कि जो कुछ ईमानदार अच्छे और कैंडिडेट जिन्होंने एक्चुअली मेहनत किया है उन्होंने सेग्रीगेट करने की बात कही थी, सेग्रीग्रेशन करने की बात कही थी, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं थी कि क्या इंटरव्यू भी पूरी ईमानदारी से हो पाएगा, इंटरव्यू भी पूरा फेयर हो पाएगा, क्या इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए पूरी तरीके से ईमानदारी तरीके से इंटरव्यू में जाएंगे। अब इंटरव्यू में कई तरह की बातें भी सामने आ जाती है। बाद में आयोग ने स्टेटमेंट अपना दिया था कि हम नहीं चाहते कि कल कोई हमारी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करे। तो इस बात को देखते हुए इंटरव्यू प्रोसेस को इसीलिए रोक दिया गया था क्योंकि सेग्रीगेट करने के बाद भी 100% श्योरिटी नहीं बन रही थी, क्योंकि बाद में अगर ऐसा लगातार इसकी जांच चलती रहती और जांच चलने के बाद, क्योंकि अभी तो इसमें 50 या 60 के आसपास ही कैंडिडेट जिन्होंने चीटिंग किया उनके नाम सामने आए थे, और बाद में अगर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाती और बाद में जब कैंडिडेट के नाम सामने आते तो फिर से आयोग को इस भर्ती को वापस से इसको क्या करना पड़ता, निरस्त करना पड़ता, फिर इतनी लंबी प्रोसेस के बाद निरस्त करना पड़ता। तो ऐसी कंडीशन में जो भी ये डिसीजन है, आई थिंक ये फैक्ट के आधार पर है। इसमें जो करप्शन की रूट है उस रूट को देखते हुए, यानी कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, उसी स्तर को देखते हुए आयोग ने ये डिसीजन अपना लिया है। हालांकि इसमें री एग्जाम का बेनिफिट कैंडिडेट को मिल सकता है, बेनिफिट इसलिए मिल सकता है क्योंकि अब इंटरव्यू में इस बात का डर नहीं रहेगा कि किस मानक, किस स्टैंडर्ड्स के आधार पर इंटरव्यू में नंबर दिए जा रहे हैं। पहले कई बार ऐसा देखा जाता था कि जैसे किसी को 40 नंबर मिल गए, किसी को 50 नंबर मिल गए, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 75, तो ये जो मार्क्स मिल रहे हैं इनका स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या ये क्या आयोग ने जेईई के इंटरव्यू में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इस बात को लेकर कि भाई जो कैंडिडेट आएंगे उनकी ड्रेस सेंस, उनकी नॉलेज, उनकी परफॉर्मेंस, इनकी इंटरव्यू पर्सनैलिटी, ये किस
आधार पर किस स्टैंडर्ड्स पर इंटरव्यू में नंबर मार्क्स दिए जा रहे हैं। मान लें एक अच्छा कैंडिडेट है, वो सभी चीज़ें फिट होकर चलेगा, अपनी ड्रेस सेंस में भी, अपनी नॉलेज में भी, अपनी परफॉर्मेंस में भी, इंटरव्यू पर्सनैलिटी में भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में भी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए किस बेसिस पर नंबर आयोग दे रहा है कैंडिडेट को, ये सारे के सारे माना क्या थे, और क्या ये अगर ये नहीं थे तो ये भी तय होने चाहिए थे, किसी भी इंटरव्यू में तय होने चाहिए जो जैया ए लेवल का एग्ज़ाम है। हालांकि अभी इसकी बात की तो जानकारी नहीं है कि किस ये इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए जा रहे थे ये क्या स्टैंडर्ड को आधार मानते हुए दिए जा रहे थे, या फिर ऐसे ही थोड़ा देखा कैंडिडेट को या ऐसे ही मार्क्स दे दिए। क्योंकि मान लें कोई मेहनती कैंडिडेट है और अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन की बात सामने आ जाती तो मान लिया जो मेहनती कैंडिडेट है वो मेहनत करके जा रहा है, और बाद में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो गए जो करप्शन के माध्यम से अंदर आना चाहते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता, बाकी फिर भी मेहनती कैंडिडेट रह सकते थे। तो जिसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है, वो तो बाद में भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। हालांकि कुछ कैंडिडेट का समय ख़राब हुआ है, दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, 5 से 6 महीने का टाइम कैंडिडेट, और मतलब 6-7 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे कैंडिडेट, और काफ़ी मेहनत की कैंडिडेट्स ने, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, वो उनकी मेहनत है। और हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये री एग्ज़ाम होता है और जिन्होंने मेहनत की है अगली बार भी उनकी मेहनत का रिजल्ट उन्हें 100% मिलेगा, श्योरिटी है। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम से उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अब जब ये दोबारा एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मुझे लगता है वे और भी बेहतर कर पाएंगे, और 100% श्योरिटी है कि इस बार ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने एक्चुअली मेहनत किया है, जो अपनी नॉलेज के दम पर आना चाहते हैं, वही कैंडिडेट 100% सेलेक्ट होंगे। क्योंकि इंटरव्यू रहेगा नहीं तो कोई आगे की कोई किसी को मार्क्स में भी पार्शियलिटी नहीं होने की संभावना रहेगी, किसी के साथ इंटरव्यू के मार्क्स में भेदभाव नहीं हो पाएगा, कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि हमारे साथ इंटरव्यू के मार्क्स में भेदभाव किया गया है, तो ऐसा भी अब नहीं किसी के मन में संभावना रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू रहेगा नहीं। तो इसके बाद कैंडिडेट ही निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे, एक्चुअल में अगर हम मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ये डेफिनेट मैं बता रहा हूँ, तो ये निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी, डेफिनेटली वे सफल होंगे। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस प्लस इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, तो दोनों एग्ज़ाम के ये पिछले एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस और जो उन्होंने अगर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया या अदर वे SSC JEE का एग्ज़ाम दे रहे, तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस उनके साथ इंक्लूड होंगे, तो वे और बेहतर कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।